दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका दयामन जी के क्लासेज में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों आज हम बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक सीधी भर्ती परीक्षा 2022 का जो पेपर है, जो कि 18 जून 2022 को आयोजित हुआ था, हल करने जा रहे हैं। और दोस्तों ये जो पेपर है आरएसएम एसएसबी द्वारा आयोजित परीक्षा का है, ठीक है। तो दोस्तों जितने भी पेपर मैंने करवाए हैं उसमें ये देखने में आ रहा है कि रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। आरएसएमएसवी द्वारा आयोजित परीक्षाओं के जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहे हैं। तो दोस्तों रिट एग्जाम में भी आपके प्रश्न रिपीट होंगे, तो पेपर जो है वो पूरे आपको देखने हैं, अंत तक देखने हैं। और दोस्तों यदि चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है जेंटलमैन एग्रीमेंट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यानी कि तीन कथन दिए हुए हैं जिसमें से जेंटल एग्रीमेंट के बारे में दो कथन सत्य आपको मिलेंगे और एक कथन असत्य है। तो असत्य कथन कौन सा है, यानी कि सत्य नहीं है या फिर असत्य है, वो कथन अपने को चुनना है। तो पहला है यह एग्रीमेंट 1942 ईस्वी में हुआ था। नंबर दो है इसका संबंध झालावाड़ रियासत से है। नंबर तीन है इस एग्रीमेंट के अनुसार रियासती सरकार भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी। तो दोस्तों इसमें आंसर अपना, इसमें जो पहला जो है कथन एग्रीमेंट 1942 में हुआ था ये सही है, इसका संबंध झालावाड़ रियासत से है, तो ये कथन दोस्तों अपना इसमें गलत है। और इस एग्रीमेंट के अनुसार रियासती सरकार भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी, ये कथन भी अपना क्या है, सही है, ठीक है। तो आंसर तो अपना क्या आ जाएगा, इसमें आंसर अपना आ जाएगा बी का, केवल दो का जो कथन है वो गलत है। अब दोस्तों इस जो जेंटलमैन एग्रीमेंट जो है इसका संबंध कौन सी रियासत से है, तो दोस्तों इसका जो संबंध है वो जयपुर रियासत से है, ठीक है, जयपुर रियासत से इसका संबंध है। और अगला क्वेश्चन है प्राचीन ऐतिहासिक स्थल आश्रम पटनन की आधुनिक पहचान है। प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है जिसका नाम है आश्रम पटन, उसकी आधुनिक पहचान क्या है, उसका आधुनिक नाम क्या है, तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा केशवराय पाटन, ठीक है। केशवराय पाटन जो है उसको प्राचीन ऐतिहासिक स्थल में आश्रम पटन उसको कहा जाता था, ठीक। अगला है 17वीं शताब्दी के सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक होता। 17वीं शताब्दी में सिसोदिया और राठौड़ों के बीच में गठबंधन होता है और उस गठबंधन में मेवाड़ का शासक कौन था, उस गठबंधन में मेवाड़ का शासक कौन था, तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा महाराणा राज सिंह प्रथम। कौन था, महाराणा राज सिंह प्रथम। अगला है निम्नलिखित युद्धों का सही कालक्रम चुनिए। तीन युद्ध दे रखे, तीनों युद्धों में से कौन सा युद्ध पहले हुआ, कौन सा बाद में, ये अपने को चुनना है, ठीक है। तो दोस्तों देखते हैं, पहला हल्दीघाटी का युद्ध था। हल्दीघाटी का युद्ध कब होता है, 1576 ईस्वी में होता है, ठीक है। खानवा का युद्ध होता है 1527 में और तराइन का दूसरा युद्ध होता है 1192 में, ठीक है। तो हो गया, तो इसमें हम सही कालक्रम के अनुसार पहला हो जाएगा तराइन का युद्ध 1792 में, दूसरा खानवा का युद्ध 1527 में और तीसरा हल्दीघाटी युद्ध हो जाएगा 1576 में, तो ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, 3-2-1 के हिसाब से ये सही कालक्रम इनका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवार विलास निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है, तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, सोनारगढ़ में स्थित है। अगला है हवेली चित्रकला किस शताब्दी की देन है, हवेली चित्रकला किस शताब्दी की देन है, तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा 19वीं शताब्दी की देन है, ठीक है। हवेली चित्रकला 19वीं शताब्दी की देन है। अगला है राजस्थान की प्रसिद्ध लोककला बेवाण क्या है, बेवाण क्या है, तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा बेवाण क्या है, बेवाण है लकड़ी से निर्मित सिंहासन जिस पर ठाकुर जी की मूर्ति को श्रृंगारित करके बैठाया जाता है। बेवाण किसको कहा जाता है, बेवाण लकड़ी से निर्मित सिंहासन होता है जिस पर ठाकुर जी की मूर्ति को श्रृंगारित करके बैठाया जाता है। अगला है दामना आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती है, दामना आभूषण जो है वो स्त्रियां किस अंग पर धारण करती हैं, तो दोस्तों दामना जो आभूषण है वो अंगुली पर पहना जाने वाला आभूषण है, कौन सा, अंगुली पर पहने जाने वाला आभूषण है। अगला है स्वर्गीय हिसामुद्दीन किस हस्तशिल्प के सिद्धस्थ कलाकार थे,
हिसामुद्दीन। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा उस्ता कला, ठीक है, कौन सी, उस्ता कला से संबंधित है। अगला है विवाह के दूसरे दिन, विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा नव दंपति के लिए आशीर्वाद समारोह प्रीति भोज को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा बडार, क्या कहते हैं, बडार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मारवाड़ का भोला बिसरा नायक किसको कहा जाता है। मारवाड़ का भोला बिसरा नायक, राणा प्रताप का अग्रगामी किसको कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा राव चंद्र सेन को। राव चंद्र सेन के बारे में एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आने वाला है। अगला क्वेश्चन है किस विद्वान ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में राजस्थान चित्र शैलियों का वैज्ञानिक विभाजन किया था। तो दोस्तों इसमें आंसर आ जाएगा आनंद कुमार स्वामी ने। किसने, आनंद कुमार स्वामी ने। अगला है संस्थान और इसके संस्थापक का मिलान करना पड़ेगा, संस्थान और इसके संस्थापक का अपने को मिलान करना है। राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना करते हैं दोस्तों इसमें विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर, ठीक है। केसरी देश हितेशनी सभा, देश हितेशनी सभा की स्थापना करते हैं महाराणा सज्जन सिंह। वीर भारत सभा केसरी सिंह भारत, और सर्वहितेशनी सभा, सर्वहितेशनी सभा स्वामी गोपाल दास, ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ए का आंसर इसमें आ जाएगा, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में कौन सा युग्म पुस्तक और लेखक का युग्म दे रखा है, असंगत कौन सा है। एक तरफ पुस्तकें दे रखी है, एक तरफ उनके लेखक दे रखे, तो कौन सा जो युग्म है वो असंगत है। देश दर्पण, शंकरदान सामोर, सूरज प्रकाश, करणीदान, किरतार बावनी, कवि ईश्वरदास, रघुनाथ पाठक, रघुनाथ रूपक है, मंचाराम सेवक। तो दोस्तों इसमें हमारी देश दर्पण है ये सही है, सूरज प्रकाश भी सही है, किरतार बावनी सही नहीं है, और रघुनाथ रूपक मंचाराम सेवक है ये भी सही है। तो किरताराम बावनी है ये कवि ईश्वरदास के द्वारा नहीं लिखी गई, जबकि किसके द्वारा लिखी गई थी, दूरसा आडा के द्वारा लिखी गई थी, दूरसा आडा के द्वारा ये लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों से कौन सा युग्म जो है पुरास्थल संबंधित जिला सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों सुनारी झुंझुनू में है, गिलुंड है वो राजसमंद में है, ओजियाना भीलवाड़ा में है, और जोधपुरा जयपुर में है। तो इसमें आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन सी का, सुमेलित नहीं है। ओजियाना जो है चित्तौड़गढ़ में नहीं है, बल्कि कहाँ पर है, भीलवाड़ा जिले में है। कहाँ पर है, भीलवाड़ा जिले में है ओजियाना, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मुद्राएं रियासत सुमेलित नहीं है, यानी कि एक तरफ मुद्राएं दी हुई और रियासतें दी हुई, तो कौन सी मुद्रा किस रियासत में चलती थी, ये अपने को देखना है, इसका सही मिलान अपने को करना है। तो ऑप्शन ए में दे रखा है अखेसाई जैसलमेर में, अखेसाई जैसलमेर में चलती थी। जाड़साई जयपुर, तो जाड़साई जो मुद्रा है वो जयपुर की है, ये भी राइट है। विजयशाही मुद्रा है बीकानेर की, तो ये दोस्तों ये राइट नहीं है, ठीक है। और गदशाही जोधपुर की मुद्रा है, ये भी राइट है। तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी का जो है आंसर आ जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। और विजयशाही जो मुद्रा है वो दोस्तों कहाँ की है, जोधपुर की है। विजयशाही जो मुद्रा है वो जोधपुर का सिक्का ये है विजयशाही, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रामस्नेही संप्रदाय, रामस्नेही संप्रदाय की रेण शाखा के प्रवर्तक थे। रामस्नेही संप्रदाय जो है उसकी जो रेण शाखा है उसके संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। तो इसमें हमारे आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी का, संत दरियाव जी। संत दरियाव जी जो है वो रामस्नेही संप्रदाय की रेण शाखा के प्रवर्तक थे। अगला क्वेश्चन है लोक कला मंदिर कहाँ स्थित है, लोक कला मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये लोक कला मंदिर जो है इसमें शायद मिसप्रिंट हुआ है, लोक कला मंडल है, लोक कला मंडल। तो लोक कला मंडल जो है वो है उदयपुर में स्थित है। लोक कला मंडल कहां पर है, उदयपुर में स्थित है। अगला है आबानेरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तीन विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से एक विकल्प तो है, तीन विकल्प दिए, तीन में से अपने को यह देखना है कि कौन सा विकल्प जो है वो सही है। तो पहला है यहां निर्मित हर्षद माता का मंदिर, हर्षद माता का जो मंदिर है वो प्रतिहारों के सामंत चौहानों ने बनवाया था। यहाँ की चांद बावड़ी,
विश्व प्रसिद्ध है, यहाँ का पिपलाद माता का मंदिर प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन एक और दो दोनों सही हो जाएंगे, क्योंकि हर्षद माता मंदिर जो प्रत्यारोह की सामंत चौहानों ने बनवाया था, यहाँ की चांद बावड़ी भी विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन पिपलाद माता का जो मंदिर है वो यहाँ पर नहीं है। तो दोस्तों इसमें आंसर आ जाएगा अपना ऑप्शन बी का, एक और दो के जो कथन है वो सत्य है। अगला क्वेश्चन है, कुवलिय माला में राजस्थान की कितनी भाषाओं का उल्लेख है? कुवलिय माला में राजस्थान की कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी का 18। कुवलिय माला में राजस्थान की 18 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अगला है, राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? राजस्थान में एक अभियान है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो है, उसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, अवनी लेखरा को। अवनी लेखरा को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, विवान कपूर किस खेल से संबंधित है? विवान कपूर किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी का, राइफल शूटिंग से। ठीक है, विवान जो कपूर है वो राइफल शूटिंग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, बतुल बेगम का संबंध राजस्थान की किस गायन परंपरा से है? बतुल बेगम का संबंध राजस्थान की किस गायन परंपरा से है? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी का, मांड गायन से। ठीक है, बतुल बेगम का जो संबंध है वो मांड गायकी से है। अगला है, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना कहां पर की जाएगी? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, जोधपुर में। कहां पर? जोधपुर में। अगला है, राजस्थान में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित किस योजना का 19 दिसंबर 2021 को शुभारंभ किया गया? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी का, आई एम शक्ति उड़ान योजना। ठीक है, राजस्थान में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आई एम शक्ति उड़ान योजना का शुभारंभ किया गया 19 दिसंबर 2021 को। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप ने अपनी नवीन राजधानी चाउंड कब बनाई थी? तो दोस्तों चाउंड बनाई गई थी 1585 ईस्वी में। ठीक है, महाराणा प्रताप ने अपनी नवीन राजधानी चाउंड 1585 ईस्वी में बनाई थी। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 राजस्थानी भाषा के लिए किसे दिया गया है? तो दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा मिठेश निर्मोही को। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 राजस्थानी भाषा के लिए, कौन सी भाषा के लिए? राजस्थानी भाषा के लिए मिठेश निर्मोही को दिया गया है। अगला है, विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास 5 फरवरी 2022 को कहाँ किया गया? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए का, चौंप जयपुर में। अगला क्वेश्चन है, जून 2021 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राजस्थान के किस जिले को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी का, डूंगरपुर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जयपुर थिएटर फेस्टिवल का आयोजन जयपुर में कब किया गया था? जयपुर थिएटर फेस्टिवल का आयोजन जयपुर में कब किया गया था? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी का, अप्रैल 2022 में। अगला है, निम्नलिखित में से किन वनों को अक्सर पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों अमेजन जो वर्षा वन है, इसमें आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी का, अमेजन जो वर्षा वन है उनको पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों डीपीटी टीका डोर्स छेरों के लिए एडिनल हार्मोन है, ए बी प्लस रक्त समूह सर्वदाता। तो दोस्तों ये जो है ये सुमेलित नहीं है, ए बी प्लस जो रक्त समूह है वो सर्वदाता नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे बड़ा तापीय विद्युत ग्रह दोस्तों सूरतगढ़ थर्मल पावर। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नहर परियोजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों इसमें देखते हैं, ऑप्शन ए का है, यह पंजाब हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन बी, इससे हनुमानगढ़ जिले को सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है। ऑप्शन सी,
राजस्थान का हिस्सा 17.22% है, ऑप्शन डी या 2.3 लाख हेक्टर कृषिगत भूमि को सिंचित करती है। तो दोस्तों इसमें हमारे आंसर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएंगे, ए का सही है, पंजाब हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है और हनुमानगढ़ जिले को सिंचाई प्राप्त होती है, बी का भी सही है, और इसमें दोस्तों सी का जो है अपना वो सही नहीं है और यह 2.3 लाख हेक्टर कृषिगत भूमि को सिंचित करती है, तो ऑप्शन डी भी इसमें हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा ए और बी डी सही है, सी आंसर इसमें आ जाएगा, ए बी और डी जो है वो कथन जो है वो सही है। अगला सुने, राजस्थान के किन जिलों में लाल व पीली मृदा पाई जाती है, राजस्थान के किन जिलों में लाल व पीली मृदा पाई जाती है, तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी का, सवाईमाधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा और अजमेर में लाल पीली मृदा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, सुमिलित करना है, मिलान करना है, ठीक है, एक तरफ दे रखे हैं खान और एक तरफ खनिज, कौन सी खनिज की खान कहां पर है, ठीक है, तो दोस्तों डेगाना की खान जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, डेगाने खान है टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, डेगाने खान टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है, मांडो की पाल, मांडो की पाल प्रसिद्ध है फ्लोर स्पार के लिए, झामर कोटड़ा रॉक फास्फेट के लिए और गोठ मांगलोद है वो जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है, कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है, ऑप्शन ए का जो है वो सुमिलित नहीं है, ये डी जलवायु प्रदेश है, वो पूर्वी राजस्थान में नहीं होकर के कहां पर है, पश्चिमी राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ग में न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले में था, तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा झुंझुनू जिले में, कौन से जिले में, झुंझुनू जिले में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसके द्वारा किया गया, राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसके द्वारा किया गया है, तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ए एम हेरोन के द्वारा। अगला है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है, अक्षांश और देशांतर दिए हुए हैं और जिले दिए हुए हैं, इनको सुमेलित करना है, तो बांसवाड़ा जो है, बांसवाड़ा में कौन सी अक्षांश या देशांतर जो गुजरता है, तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा बांसवाड़ा में 23 डिग्री 3 मिनट जो अक्षांश है उत्तरी अक्षांश वो गुजरता है। ठीक है, जैसलमेर में, जैसलमेर में आ जाएगा दोस्तों 69.30 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरता है जैसलमेर में, जैसलमेर में, ठीक है, और धौलपुर में गुजरता है, धौलपुर में 78.17 डिग्री, ठीक है, और गंगानगर में गुजरता है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा असत्य है, कौन सा कथन असत्य है, यांत्रिक कृषि गंगानगर जिले में प्रचलित है, सही है, आदर दक्षिण पूर्वी मैदान सोयाबीन की खेती के लिए उपयुक्त है, यह भी सही है, माई कंचन राजस्थान में चावल की उच्च उत्पादकता देने वाली किस्म है, तो दोस्तों ये जो कथन अपना ये सही नहीं है, तो इसमें हमारा आंसर आ ऑप्शन सी का, क्योंकि माई कंचन जो है वो चावल की किस्म नहीं है, मक्का की एक किस्म है। ठीक है, तो दोस्तों आगे जो क्वेश्चन है वो मैथ वगैरह के आ जाते हैं, अपने राजस्थान जी के क्वेश्चन यहीं तक है इस पेपर में, तो दोस्तों आज का पेपर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।